नमस्कार जी, स्वागत करते हैं हम आपका नए व्लॉग में। जी आज का जो हमारा व्लॉग है वो स्पेशली तीज के लिए है। आप में से कई लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आप तीज का व्लॉग ज़रूर डालना, उसे ज़रूर कवर करना। तो जी आप लोगों के रिक्वेस्ट पर हम इस व्लॉग को ला रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं आपको यह पसंद आएगा। और अभी जो आप वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जिया श्रृंगार कर रही है तीज से पहले। एक दिन पहले का है, तीज से एक दिन पहले का है। उस दिन मैं अपना श्रृंगार कर रही हूँ, जैसे अलता लगाना, नेल पॉलिश लगाना, चूड़ी पहनना, सिंदूर लगाना। अब मैं हो गई। फिर हम लोग निकल गए मार्केट की तरफ। हमें तीज के लिए कुछ सामान लेना था जो कि हम नहीं ले पाए थे। जी अभी हम मार्केट आए हुए हैं और जिया को तीज के लिए कुछ खरीदारी करना था, तो जिया अपना कुछ सामान और यहाँ मैं पूजा का सामान ले रही थी, चुनरी, कौड़ी माता का श्रृंगार का सामान, मेहंदी। और ये जो आपको बच्ची दिख रही है, ये एक रुपये कम नहीं कर रही थी। कितना कहने के बाद इन्होंने 5 रुपये कम जी, इसलिए इसके साथ हम मार्केट नहीं जाते। जब भी जाती इतना बार्गेन करती है, इतना तो झेलना ही पड़ेगा मेरे साथ जाओगे आप तो। इसके साथ साथ कुछ फल भी ली, जैसे कि नारियल होता है, नारियल तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पूजा के लिए। और इसके अलावा मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन में ब्राह्मणों को अन्न दान किया जाता है। फिर हम चले गए दर्जी के यहाँ, उनके यहाँ हम कुछ अपना कपड़ा फिटिंग करने के लिए दिए थे, वही हम ले गए। फिर ये सब लेने के बाद हम लोग चले गए मिठाई लेने के लिए। और जब मिठाई लेने गए, भाई साहब वहाँ कोई मिठाई मिल ही नहीं रहा था ढंग का, और जो भी मिल रहा था इतना महंगा मिल रहा था। लेकिन क्या कर सकते हैं जी, मजबूरी होती है तो ले ही लिए। भाई साहब किसी भी पर्व के दिन कोई भी सामान नहीं खरीदिए, इतना रेट हाई रहता है, इतना रेट है, मिठाई इतना महंगा मिला है। फिर जी उसके बाद आ गए हम घर, और जैसे ही घर आए तो दीदी भी आ चुकी थी। तो दीदी जैसे ही आई तो मैम साहब लग गई अपना मेहंदी लगवाने में। थैंक यू दीदी का जो उन्होंने हमें मेहंदी लगा दिया, नहीं तो हमें मेहंदी आता नहीं लगाने और हम नहीं लगा पाते, क्योंकि इस कोरोना में हम कहीं जा भी नहीं सकते ना लगवाने के लिए। और जिया की मेहंदी लग चुकी है, तीज की मेहंदी। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। The next day. फिर आया जी तीज का दिन, और तीज के दिन तो 16 श्रृंगार किया जाता है। और मैं यहाँ पूरा रेडी हो रही हूँ, और माँ मेरी बता रही है ये पहन लो, अच्छे से समझा रही है ये सब पहनो। फिर मैं पूजा की तैयारी में लग गई और गौरी माता की पूजा की तैयारी कर रही हूँ। जी ये जो तीज पर्व होता है ना, सुहागिनों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व में से एक माना जाता है। और जी इस व्रत को जो रखने का जो नियम होता है, जो भी विधि होती है जी, छठ की तरह ही काफ़ी ही कठिन होता है। खास करके जो पहला तीज है वो तो और भी थोड़ा कठिन होता है, लेकिन मज़ा आता है, रात भर जगना होता है और बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जी ये तो जिया का दूसरा तीज है। अगर आप कहेंगे तो इसके जो पहले तीज का वीडियो है वह भी हम अपने इंस्टाग्राम पर शेयर कर देंगे। और उस तीज में जो जिया की हालत खराब हुई थी, पूछिए मत। और यहाँ मैं गौरी माता की पूजा करी और उनसे ये प्रार्थना करी हूँ कि मेरे पति की लंबी आयु हो और मैं अपना तीज अपने साथ ही लेके जाऊँ। और मुझे गौरी माता पे पूरा विश्वास है कि मेरी दुआ ज़रूर सुनेंगी, और वो जो भी करेंगी वो हमारे अच्छे के लिए करेंगी। और जब पूजा हो गया फिर मैं गौरी माता का चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में लगा रही हूँ। जिया ने घर में पूजा कर लिया और अब जिया को मंदिर लेकर के जाना है। आज मेरा दो दो काम है, जिया को भी मंदिर लेकर के जाना है और माँ को भी मंदिर लेकर के जाना है, तो इन दोनों को मंदिर में पूजा कराना है, तो चलते हैं जी। फिर जी हम पहुंच गए भोले बाबा की पूजा करने के लिए, और यहाँ आप देख सकते हो पूरा खाली खाली सा मंदिर है, सिर्फ मैं हूँ। और तो बहुत अच्छे से अकेले में मैंने पूजा किया, भगवान ने को धन्यवाद भी कहा कि आपकी दुआ से भोले बाबा मुझे इतना अच्छा पति मिला, और जैसा चाहा था मैंने वैसा पति मुझे मिला। सब कुछ मैंने जैसा चाहा था वैसा पति मिला, लेकिन थोड़ी शैतान बहुत है। तो भगवान से मैं ये प्रार्थना करती हूँ कि थोड़ी सी शैतानी मेरे पति देव की कम कर दे। वो भोले बाबा से मैंने अपने और अपने परिवार के लिए तो पूजा किया ही, साथ में पूरे संसार के लिए भी पूजा की। भगवान इस महामारी से सभी जूझ रहे हैं, प्लीज़ इनसे जल्दी ही सबको मुक्ति। परेशान हो गए हैं लोग, त्रस्त है, किसी का रोजगार चला गया है, किसी का धंधा चौपट हो चुका है इसकी वजह से। मतलब लोग कितने सारे सड़क पर आ चुके हैं जिनका अच्छा खासा व्यापार था, सब कुछ था। तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं जी, भगवान इस महामारी से मुक्ति दिलाओ, और अब माफ़ करो अगर किसी से कुछ भी भूल हो गई हो या कोई भी गलती हो गई हो। तो आप तो बड़े दिल वाले हैं, आप तो भगवान हैं, प्लीज़ माफ़ करिए।
और लोगों को जल्दी ही मुक्त कर दीजिए इन महामारी से। जी, जिया ने पूजा कर लिया यहाँ पर, अब जिया को घर लेकर के जाते हैं और हमने भी माता रानी से कुछ आशीर्वाद ले लिया। ऐसा ही जोड़ी बनाए रखे और फिर अगले बार हम आए। बिल्कुल जी, और उम्मीद करते हैं संसार में सभी लोग सुखी रहे, सभी लोग चैन से रहे और सभी की जितनी भी इच्छाएं हैं वो सभी पूर्ण हो। मंदिर में हम लोग कई बार आए हैं और लगता है 3 से 4 बार व्लॉग में भी मेंशन किया है इस मंदिर को। माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे ही कृपा बनाए रखे और बार बार हम आते रहे और बार बार माता रानी का भी दर्शन आप सभी को करवाते रहे। और यहाँ पर बारिश होना शुरू हो गया है तो अब जल्दी से हम लोग घर चलते हैं और माँ को भी मंदिर लेकर के जाना है हमको। तो आज मेरा ड्यूटी यही है इन लोगों को पूजा करवाना, माँ और अपनी बीवी। माँ और बीवी आपके लिए, तो आप इतना भी नहीं करोगे। बहुत बढ़िया। और आज मैं फास्ट है, निर्जला उपवास। बहुत अच्छा। इतना भी नहीं करोगे आप। तीज के बारे में कुछ बता दे कि तीज क्यों रखा जाता है या ऐसा कुछ? हम लोग का परंपरा है कि जितनी भी सुहागिन औरत है, अच्छा, अपने पति के उज्जवल भविष्य, स्वस्थ शरीर और लंबी उम्र के लिए भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करके आज व्रत रखती है। पति की लंबी उम्र के लिए होती है और शिव और पार्वती की पूजा होती है इसमें। अच्छा, तो 2 दिन से फास्ट पर है, सोच लीजिए। कल तो अरवा था और आज तो निर्जला, आज तो पानी भी नहीं पिए। माँ बहुत वीक हो गई है, ऊपर से ड्यूटी भी करना होता है, साथ में फास्ट भी और ये सब भी। माँ को भी मंदिर लेकर के जाना है लेकिन अब देख रहे हैं यहाँ बारिश होने लग गई है, तो अब जैसे ही बारिश खत्म होगी फिर माँ को लेकर के जाएंगे पूजा करवाने। मच जिया जी, लव यू टू, सदा स्वागत हो जिया, थैंक यू सो मच खुशबू जिया जी, हैप्पी तीज जिया जी, हैप्पी तीज, थैंक यू आपको भी, हर जन्म में आपको यही हस्बैंड मिले, थैंक यू सो मच, सही बोला आपने। और यहाँ पर जिया पूरा तैयार हो करके एकदम सज धज के आई है लाइव पर कि आज हम नया साड़ी पहने तो लाइव पर क्यों नहीं आएंगे, तो लाइव पर आ करके बात कर रही है सभी से। भैया लोग जो है ना बगल से ताला देते हैं, भैया सही बोले, ताला देने में एक्सपर्ट है। A few moments later. फिर जी जैसे ही बारिश खत्म हुई माँ को लेकर के आ गए मंदिर, और ये मंदिर जो है हमारे मोहल्ले में ही है, और जब तक माँ को लेकर के गए थे तब तक तो काफ़ी अंधेरा हो चुका था। और इस मंदिर में मैं तो माँ को डेली लेकर के आता हूँ, एक तरह से मेरी ड्यूटी रहती है माँ को यहाँ पर लाने की। जी, मेरी माँ जो है भोले बाबा की बहुत बड़ी उपासक है, जब भी वो आती है यहाँ ज़रूर आएगी, और जब भी माँ को कोई परेशानी आती है ज़िंदगी में यहाँ पर आकर के भोले बाबा के सामने रख देती है, और माँ बताती है भोले बाबा ने कई बार उनकी प्रार्थना को सुना है। A few moments later. जी अभी माँ को भी पूजा करवा के ही आए, और जी अभी कुछ देर पहले पूजा की थी, तो चलते हैं माँ के पास। शिव और माता पार्वती के चरण में अपील करती हूँ कि हर औरत को तीज का व्रत नसीब हो। The next day. अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 और माँ तो सुबह लगता है शायद 4:30 ही उठकर पूजा सब की है, और अभी मैं माँ को मंदिर लेकर के आया हुआ हूँ। बस पूजा का यहाँ समापन हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह तीज का व्लॉग काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही नोटिफिकेशन बेल का आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि जब भी हमारा कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले। तो जी, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।